हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोष निकम और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में साथ ही डिस्कस करेंगे तीन बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो को। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे आज के दिन के हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों, बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल 43,657 का हम लोगों ने डिस्कस किया था, साथ में ये भी डिस्कस किया था कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल हम लोगों को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी की ये जो दूसरी 5 मिनट की कैंडल है एग्जैक्टली इसी के नीचे क्लोज हुई थी। यहीं पे मैंने आप लोग के साथ में पीई साइड का अपना ट्रेड जो है वो शेयर किया हुआ था, जिसमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न जो है वो आज के दिन में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, कई सारे वीडियोज़ में आप लोग के साथ में मैं डिस्कस करते रहता हूँ कि जो भी लेवल्स यहाँ पे मैं आप लोग के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ उसमें से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल 4 और जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग उसका लेवल 3 जो होता है वो इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है। काफ़ी अच्छा खासा रिवर्सल जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था। सी साइड का जो ट्रेड यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए पोस्ट करके रखा हुआ है। निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो मॉर्निंग में रिलायंस में कुछ अप ट्रेंड हम लोगों को दिखाई दे रहा था, इसके वजह से हल्का सा अप ट्रेंड हम लोगों को निफ्टी में दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद में बहुत ही अच्छा खासा फॉल जो है वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया था। 19,727 के लेवल पे हम लोगों को एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन जो है वो दिखाई दिया था, जिसके बाद में मैंने यहाँ पे जो सी है निफ्टी की वो भी शेयर की थी, जिसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यानी कि लेवल के बेसिस पे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आज देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो दालिमिया भारत आज के दिन की हमारी पहली ब्रेकआउट स्टॉक थी। मैजिकल लेवल से इसने रिजेक्शन लिया और काफ़ी शार्प फॉल इस स्टॉक में आज देखने को मिला, यानी कि पी साइड में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट्स आज देखने को मिल रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस आज के दिन की दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक थी। पहले 5 मिनट की दूसरी कैंडल जो है इसमें क्लोज हो गई थी, 5 मिनट की दूसरी कैंडल, और उसके बाद में शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिला था टारगेट 3 तक, यानी कि लेवल 3 तक। लेवल 3 से जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एक रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिला, यानी कि सी साइड में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक आज हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी एसीसी की, हमारे मैजिकल लेवल से काफ़ी शार्प फॉल और लेवल 3 से एक रिवर्सल, दोनों चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। ओवरऑल दोस्तों, इन लेवल्स के साथ में हमारी 90% की एक्यूरेसी बरकरार है, कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखने की। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पर आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। और एक चीज़ गाइस, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी तो एक बार यूट्यूब को स्क्रॉल करके देख लीजिए और टेलीग्राम को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का। आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू, और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज कल के दिन की हमारी पहली ब्रेकआउट स्टॉक होने वाली है। स्टॉक में एंड ऑफ द डे एक अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, साथ में एक ट्रेंड लाइन का काफी अच्छा सपोर्ट भी हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से नीचे के साइड में आ जाता है तो एटलीस्ट ट्रेंड लाइन तक आने की पॉसिबिलिटीज हमें लग रहे हैं, और अगर ब्रेकआउट दे देता है तो एक अपसाइड का अच्छा ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, और नीचे आने के बाद में ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट क्रिएट होने के बाद में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी यहाँ पे बन जाएगा। 1860 के नीचे ये स्टॉक वीक हो सकता है, 1852, 1840 और 1827 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1870 स्टॉप लॉस रहेगा। इनके इस नीचे के साइड में नहीं आता है तो 1870 के ऊपर ये स्टॉक बुलिश हो सकता है, 1881, 1896 और 1912 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1860 स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा ग्रासिम का। इस स्टॉक में भी एंड ऑफ द डे एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है, लेकिन स्टॉक ने हमारे नो ट्रेड जोन को ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है, सो इधर किसी भी साइड में ब्रेकआउट कल पॉसिबल है।
1970 के नीचे ये स्टॉक वीक हो सकता है, 1961, 1952 और 1940 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1978 स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस नीचे के साइड में नहीं आता है तो 1978 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा, 1986, 1998 और 2012 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1970 स्टॉप लॉस रहेगा। तीसरा ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो रहेगा नौकरी का। स्टॉक के बारे में अगर बात करेंगे तो स्टॉक में यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे उतना ही अच्छा वॉल्यूम भी इसमें ट्रेड हुआ है। अगर मान लीजिए अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं देता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देने में कामयाब हो जाता है, तो यहाँ से एक अच्छा डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में एक्सपेक्ट है। अदरवाइज अगर अपसाइड में ब्रेकआउट दे देगा तो हम लोग अपसाइड के भी लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं। 4725 के नीचे ये स्टॉक वीक हो सकता है, 4714, 4697 और 4673 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 4750 स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस स्टॉक नीचे के साइड में नहीं आता है तो 4750 के ऊपर बुलिश हो सकता है, 4764, 4780 और 4800 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 4725 स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ के लेनी है। जैसे कि उसमें से पहले चीज़ ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे। क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ में जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइज, इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट चार्ट्स में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर से बात करेंगे कल के दिन के मेरे मार्केट प्रेडिक्शंस के बारे में तो निफ्टी में यहाँ पे एक काफी अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है और जिस टाइप का इसने आज के दिन में क्लोजिंग दिया है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में, एक्सपेक्टेशंस है कि ये इस रेजिस्टेंस को जो है वो कल के दिन में ब्रेकआउट दे जाए। अगर ऐसे होता है तो 19,827 के ऊपर निफ्टी बुलिश हो सकती है, 19,875, 19,931, 19,990 और 20,045 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 19,800 के नीचे निफ्टी वीक हो सकती है, 19,761, 19,718, 19,674 और 19,630 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करेंगे तो उसमें भी सेम पैटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंड लाइन का जो है वो सपोर्ट क्रिएट करके एक अच्छे से वॉल्यूम के साथ में बाउंस बैक हम लोगों को दिखाई दे रहा है। 43,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है, 43,605, 43,727, 43,872 और 44,000 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 43,400 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो सकती है, 43,295, 43,181, 43,077 और 42,900
48 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन की मेरे प्रेडिक्शन के साथ में साथ ही डिस्कस किए तीन बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर इन ऑप्शंस में भी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।